बात करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। अभी चुनाव के रिजल्ट भी नहीं आए हैं और कांग्रेस के नेता चुनाव में किए वादों से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि गैस सिलेंडर को लेकर नया बयान आया है। उनका कहना है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो टैक्स पेयर लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा या नहीं, इसके लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा जाएगा। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान लोगों से जो वादा किया था उसमें महंगाई का मुद्दा पहला था और 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना कांग्रेस की प्राथमिकता, ये बड़ा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से रखा गया था। नॉर्मली जो है इस तरीके की जो दी जाती हैं वो इनकम टैक्स पेज और नॉन इनकम टैक्स पेज का वो रखा जाता है, मगर हम कोशिश करेंगे कि इसमें इसको व्यापक आधार, इसमें कोई बीपीएल का नहीं है, ये हमने सबके लिए कहा है। और बड़ा गणित लगाने के बाद कितना पैसा आएगा, कितना देना पड़ेगा, सब रखा है। तो टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर का उसमें रखेंगे सर, अंतर रखेंगे, मान लीजिए कि नहीं, नॉर्मली पूरे देश भर में ये प्रक्रिया है, क्योंकि केंद्र सरकार के वित्तीय प्रावधानों को भी देखना पड़ता है ना, कि कल राज्य के रूप में हम जब अपना दस्तावेज लेकर के पहुंचे तो हमसे ये सवाल न किया जाए, तो हम देखेंगे इसके क्या फॉल आउट हो सकते हैं, मगर हमने सार्वभौम तरीके से ही इस बात को कहा। उधर हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने साफ किया है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है, जिसको बीजेपी हमेशा कहती आई है। साफ है कि कांग्रेस का चुनावी वायदा अब हवा में गोते खाने लगा है। देखिए, हम पहले दिन से कहते आए हैं कि चाहे उत्तराखंड की कांग्रेस हो, हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह जी हो या उनका केंद्रीय नेतृत्व हो, वो प्रारंभ से लेके अंत तक स्वयं भ्रम में रहा और केवल जनता को भ्रमित करने का काम करता रहा। कहीं भी उनकी ना तो स्पष्ट सोच है ना कोई स्पष्ट नीति है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही है हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। ज्योत्सना, जो बयान आज हरीश रावत दे रहे हैं कि टैक्स पेयर को 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलेगा, नॉन टैक्स पेयर को मिलेगा, उसके लिए भी केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा जाएगा, वहां से अप्रूवल आएगा, केंद्र सरकार सब्सिडी देगी, तब जाकर हम 500 रुपए का सिलेंडर वो भी जो नॉन टैक्स पेयर हैं उनको देने की स्थिति में होंगे। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी सरकार बनेगी कांग्रेस की या नहीं बनेगी ये भी तय नहीं है, लेकिन आज जो बयान हरीश रावत ने दिया वो पोलिंग डे से पहले दे देते तो शायद कांग्रेस की भी कथनी और करनी स्पष्ट हो जाती। बिल्कुल अनुज, आपने बहुत सही सवाल किया और सही कहा कि कथनी और करनी स्पष्ट हो जाती। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, उनका प्रतिज्ञा पत्र था, उत्तराखंडी स्वाभिमान, चार धाम और चार काम, और इन चार कामों में सबसे पहला काम यही था कि हर घर को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं लोगों को क्लिक भी किया, क्योंकि इस समय जिस तरीके से महंगाई है, सिलेंडर के दाम है, लोग परेशान हैं। हालांकि सब समझते हैं कि महंगाई किन कारणों से होती है, लेकिन बावजूद उसके कि एक मानवीय स्वभाव होता है कि हमें एक पैसे की बढ़ोतरी भी बहुत लगती है और सिलेंडर की सब्सिडी भी खत्म हो गई और सिलेंडर इतना महंगा हो गया तो हर कोई महंगाई को कोस रहा था। और अब हरीश रावत जिस तरीके से पोलिंग खत्म होने के बाद से लगातार अलग अलग बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस भी क्रिएट कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में तो सबसे पहले ये लिख दिया कि 500 रुपए में सिलेंडर, लेकिन अब केंद्र पर भी मामला डाल रहे हैं कि हम केंद्र के पास प्रपोजल लेके जाएंगे, टैक्स पेयर को ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें, यानी कि कांग्रेस ने फौरी तौर पर हवा हवाई एक घोषणा के तहत ये बात कही है और उसके बाद अब जब अमल में लाने की बारी आएगी, हालांकि आपने बहुत सही बात कही कि अभी तो सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, 10 मार्च तक सभी को इंतजार करना पड़ेगा, और अगर बन गई तो ये काफी पेचीदा मामला है, वित्त से जुड़ा हुआ मामला है, किस तरीके से, यानी कि सिलेंडर की कुल कीमत कितनी है, सरकार कितनी सब्सिडी देगी, सरकार को उसके लिए कितना बजट चाहिए, अगर केंद्र से अप्रूवल लेना है तो किस तरीके से अप्रूवल लेगी, उसकी कैटेगरी में कौन कौन लोग होंगे, ये सारी चीजें हैं।
और अब तो मतदान हो चुका है, लुभाने की बारी खत्म हो गई है, अब तो हकीकत से वास्ता पड़ने वाला है, इसलिए धीरे धीरे सभी लोग सच बोल रहे हैं। हालांकि हरीश रावत के इतर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारा कमिटमेंट सभी को सिलेंडर देने का है, तो इसलिए हम सबको देंगे, लेकिन आज हरीश रावत ने इसके साथ काफी तकनीकी बातें जोड़ी हैं और बीजेपी को मुद्दा मिल गया, क्योंकि बीजेपी पहले भी कह रही थी कि कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं, उसका घोषणा पत्र है, ये केवल चुनावी सिगुफा है, धरातल पर इसके कोई भी काम नहीं होगा। और आज हरीश रावत के बयान के बाद तो बीजेपी खुलकर हमलावर हो गई है कि हम जो बात पहले कह रहे थे कि लोगों को भरमाने के लिए कांग्रेस इस बात को कह रही है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, और हकीकत में जब कभी होगा तो केंद्र सरकार खुद से लोगों को रियायत भी देगी जैसे पहले देती आई है, और सिलेंडर के दाम भी कम होंगे। अनुज, जो सुना हरीश रावत के इस बयान का एक साइड इफेक्ट भी है, कल यदि मेजॉरिटी कांग्रेस के हाथ में आती है तो उधर प्रीतम सिंह खेमा लगातार लगा हुआ है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री ना हो, हरीश रावत खेमा लगा हुआ है, हरीश रावत खुद जोर लगा रहे हैं कि विधायक मंडल दल का नेता उन्हीं को चुना जाए, लेकिन कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि 10 जनपद से एक सफेद रंग का बंद लिफाफा आता है और विधायक मंडल दल की बैठक में पढ़ के सुना दिया जाता है, उसमें कौन होगा मुखिया, कौन सत्ता पर बैठेगा, कौन काबिज होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, उसका नाम पढ़कर सुना दिया जाता है और वही सर्वसम्मति से लिया गया विधायक मंडल दल की बैठक का निर्णय होता है। अब क्या हरीश रावत इस तरह की बयानबाजी कर, क्योंकि प्रीतम सिंह विरोध कर रहे हैं, प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि सबको सिलेंडर देने का 500 रुपए में वादा किया गया था, इस तरह के बयान देकर क्या हरीश रावत अपनी दावेदारी को कमजोर कर रहे हैं? देखिए, हरीश रावत अपनी दावेदारी को कमजोर नहीं कर सकते हैं अनुज, हालांकि इस बयान के बाद कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने क्या सोच के अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा, क्या उसने पूरी चीजों की उस समय तहकीकात नहीं की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मतदान के जस्ट एक दिन बाद एक वेब मीडिया पोर्टल से इंटरव्यू में हरीश रावत ने साफ तौर पर दो टूक बात कही कि मेरे सामने दो ऑप्शन है, या तो मैं राज्य का मुख्यमंत्री बनूं या घर बैठूं। घर बैठने से आशय उनका था कि राजनीति से संन्यास ले लूं और घर पर रहूं, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक प्रेशर टैक्टिक्स भी इसमें अपनाई, क्योंकि वो शुरू से चाहते थे, आप भी जानते हैं कि चाहे वो ट्विटर वॉर हो, उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट हो, इस सब में बहुत ज्यादा यहां पर विवाद हुआ, हाईकमान तक मामला गया, क्योंकि हरीश रावत चाहते थे कि उनको चुनाव प्रचार समिति का ही अध्यक्ष न बनाया जाए, बल्कि उनको चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना करके चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन हाईकमान ने ऐसा नहीं किया और हाईकमान ने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, तो उसमें प्रीतम सिंह के लिए भी स्कोप है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका एक राइट है कि वो नेता प्रतिपक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो सीएम पद के दावेदार वो भी हैं, और हरीश रावत पहले से ही चाहते थे कि मैं सीएम पद का दावेदार डिक्लेयर हो जाऊं, हाईकमान ने वो नहीं किया, तब तो ये खींचतान चल गई है। हालांकि कल हरीश रावत की टोन काफी डाउन थी और उन्होंने इस बात को कहा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, विधानमंडल दल का नेता बनेगा, हाईकमान और विधानमंडल दल तय करेगा। इससे पहले वो कह चुके थे कि मेरे पास यही ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत इस बात को जानते हैं कि वो अगर प्रेशर टैक्टिक्स करते हैं, उनके मैक्सिमम लोग जीत करके आते हैं तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, अगर कहीं संख्या में इब्बट होता है तो हाईकमान के पास ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन के तौर पर प्रीतम सिंह है, यशपाल आर्य है, यशपाल आर्य के साथ उन्होंने दलित कार्ड कई बार खेला है, हरिद्वार में भी कहा है कि वो चाहते हैं कि जब तक जीवन है एक बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दलित बन जाए, इस तरीके की सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। और हरीश रावत बहुत मंझे हुए खिलाड़ी है अनुज, वो जो बात कहते हैं उसके कई मायने होते हैं, वो कहां किसको चित करना चाहते हैं, किसकी ओर इशारा करना चाहते हैं। और रही बात सिलेंडर वाली, तो जब वो कुछ भी नहीं थे, यानी कि ना चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष बने थे, वो तब से, जब केजरीवाल ने यहां पर कहा था कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वो तब से इस बात को कहते थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो ऐसा करेंगे, और वो इस बात को इस लिहाज से कहते हैं कि जैसा सरकार बनने के बाद उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना है और उनको ही ये फैसला लेना है। लेकिन कांग्रेस में जो आपने कहा है कि परंपरा वही है कि 10 जनपद से ही लिफाफा आएगा, अब भी वहीं से आएगा, चाहे कोई कितनी भी जोर आजमाइश कर ले, और जो नाम वहां से तय होगा, आपके पास तब दो ही ऑप्शन है, या तो आप स्वीकार कीजिए या फिर आप इस्तीफा दीजिए, वो ऑप्शन यहां पर बरकरार रहेंगे, क्योंकि 10 जनपद अब नहीं लगता है कि किसी दबाव में आएगा, क्योंकि पंजाब का उदाहरण सबके सामने अनुज, कि पंजाब में सिद्धू ने बहुत कोशिश की दबाव बनाने की,
लेकिन 10 जनपद ने चन्नी को चार, उन्हीं को फेज डिक्लेयर कर दिया। उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी काफी दबाव था, लेकिन 10 जनपद ने अगर परिवर्तन चाहा तो परिवर्तन हो गया। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के मामले में भी 10 जनपद अभी तक किसी भी तरीके के दबाव में नहीं आया। हाईकमान ने किसी को फेस डिक्लेयर नहीं किया, यानी कि उन्होंने माइंड मेकअप किया हुआ है कि आगे क्या किया जाना है, और कहीं ना कहीं हरीश रावत को उन सब बातों का आभास है। अनुज जी, ज्योत्सना आप बनी रही हमारे साथ यहां वक्त।